अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही लाजवाब रेसिपी जो सिर्फ 15 मिनट में बनके तैयार हो जाती। हैदराबादी गोश्त का मीठा सालन जो बहुत ही मज़ेदार रहता और इसके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स है जो घर में इजीली अवेलेबल रहते। शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं हैदराबादी मीठा सालन। ये मैं ले ली 2 प्याज, ये एक बड़ी है और एक दरमियानी प्याज है, और ये 250 ग्राम गोश्त है, इसको मैं धो के रख ली और गोश्त हड्डी वाला है। प्याज को हम छील लेंगे, मैं प्याज का छिलका निकाल ले रही। उसके बाद प्याज को थोड़ा सा धो लेना है और उसको बारीक कट कर लेना है। आप चाहे तो इसको चॉपर की मदद से भी चॉप कर सकते। देखिए मैं इस तरह से प्याज को कट कर ली, टोटल इतनी प्याज है, ये आप देख सकते हैं 2 प्याज है और इतनी क्वांटिटी काफ़ी है। अब एक कुकर ले लेंगे हम, कुकर में 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे। ये फल्ली का तेल है, आप कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते जो आप खाते, या रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते। जैसे तेल गर्म होता हम इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज को अच्छे से तल लेना है तेल में। ये स्टेप्स आप फॉलो कीजिए तो आपका मीठा सालन, गोश्त का मीठा सालन बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी होता। देखिए मैं हाई फ्लेम पे प्याज को तल ले रही, इसको थोड़ा लाल होने तक हम फ्राई कर लेंगे। देखिए ये लाल होना शुरू हो गई और थोड़ा इसको लाल करना है, देख सकते हैं आप प्याज लाल हो गई। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट। कोशिश कीजिए कि अदरक लहसुन पेस्ट फ्रेश हो। और 2 टीस्पून मिर्ची पाउडर मैं इसमें ऐड कर दी, मिर्ची आप आपके टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दी, नमक भी आप आपके टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते। शुरू में आप नमक कम ही डालिए, बाद में टेस्ट करके डाल सकते। 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर है, ये शाही ज़ीरा, दालचीनी, लौंग, इलायची का पाउडर है, इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए मसाले प्याज के साथ अच्छे से मिक्स हो गए। अब हम इसमें डाल देंगे गोश्त। कोशिश कीजिए कि गोश्त हड्डी वाला ही हो, हड्डी वाला गोश्त बहुत ही मज़े का रहता है इस सालन में। गोश्त डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, सारे मसाले गोश्त के साथ अच्छे से मिक्स हो जाना। देखिए अच्छे से मैं मिक्स कर दी इसको, और मैं फ्लेम लो रखी ये ताकि ये जल ना जाए, लो फ्लेम पे मैं इसको मिक्स कर रही। अब इसमें डाल देंगे हम 1/2 ग्लास पानी। आप पानी आपके गोश्त के हिसाब से एडजस्ट कर सकते, अगर गोश्त कौला है तो आप सिर्फ 1/4 ग्लास पानी डालिए, क्योंकि ये फ्रीज़र में रखे हुआ गोश्त था इसलिए मैं इसमें 1/2 ग्लास पानी डाल दी। अब ढक्कन लगा के हम 6 से 7 सीटी होने तक इसको गला लेंगे। देखिए 7 सीटी में ये अच्छे से गल गया, प्याज भी अच्छे से गल गई। अब फ्लेम को ऑन कर लेना है और अच्छे से इसको भून लेना है। प्याज बिल्कुल नज़र नहीं आना, इस तरह से हम भूनेंगे। तो मैं ये लकड़ी का चमचा है डोई, इससे मैं इसको भून ले रही, इससे बहुत अच्छा भुने जाता। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दी जिससे ये थोड़ा लूज हो जाए। इसमें थोड़ा सा गरम पानी ऐड कर दीजिए आप, 1/4 ग्लास उतना गरम पानी ऐड कर दीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसको 3 से 4 मिनट हम पका लेंगे। अब इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून धनिया, हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद एक बार मिक्स कर लीजिए। देखिए प्याज पूरी अच्छे से गल गई, प्याज बिल्कुल नज़र नहीं आ रही, पूरी प्याज अच्छे से मैश हो गई। अब मैं इसको लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए दम होने के लिए रख दूँगी।
देखिए दम होने के बाद मैं आपको दिखा रही, बहुत ही अच्छा लुक इसका आया सरफेस पे। ऑयल देखिए आप कितना अच्छा आ गया, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही। चलिए अब आपको डिश आउट करके दिखाती। बहुत ही मज़ेदार हमारा लाजवाब सालन 15 मिनट में बनके तैयार हो गया। हैदराबादी गोश्त का मीठा सालन, आप इसको रोटी के साथ या चावल के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। दुआओं में याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।